तो ये तो हम जानते हैं कि स्मॉल कैप जो कंपनियां होती हैं, स्मॉल कैप फंड होते हैं, रिटर्न तो बहुत अच्छा मिलता है इनका। इतना शानदार रिटर्न मिलता है कि कोई भी ललच जाता है कि रिटर्न उतना अच्छा होगा, लेकिन ये थोड़ा रिस्की भी होते हैं। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना पड़ेगा कि यार यही स्मॉल कैप कंपनियां आगे जाके मिड कैप कंपनी बनती है और वही मिड कैप कंपनी जाके ब्लू चिप कंपनी बनती है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी बनती है। तो ये तो हम समझ सकते हैं कि स्मॉल मिड और लार्ज कैप कंपनी जितने भी रहती है ना, सबका आपस में एक लिंक होता है। तो आज इस फंड के बारे में जानेंगे, बहुत शानदार फंड है, देखते हैं कि ये फंड कितना रिस्की है और इसमें पैसा फंसाना, इसमें पैसा लगाना कितना अच्छा है, सब कुछ एनालाइज करेंगे। जो मेरे चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन में क्लिक कर देना, सो दैट इस चैनल के आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल में सब कुछ बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं, जो आप लोग देख ही रहे हो, राइट। तो आज मैं जिस कैप बात करूंगा वो है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक ऐसा फंड जो पिछले 3 सालों से बहुत एग्रेसिव रिटर्न दिया है, ठीक है ना, बहुत शानदार रिटर्न दिया है। और इस रिटर्न के साथ साथ ना जिन्होंने पैसे लगाए थे उनका तो 50% से ज्यादा रिटर्न मिला है, ठीक है। तो देखेंगे क्या ये सच है, सब कुछ एनालाइज करेंगे और एक एक देखेंगे कि जो ये फंड है, जो हमारा बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, ये इसका पैसा, ये जो फंड मैनेजर है, क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल फंड को कौन मैनेज करता है, फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। तो जब हमारा ये म्यूचुअल फंड है, कोई ना कोई तो मैनेज करता है ना, इनके फंड हाउस मैनेज कर रहे हैं, तो इनके फंड को अलग अलग स्टॉक्स में लगाया जाता है। तो ये भी देखेंगे कि हमारा जो बैंक ऑफ इंडिया है इसका पैसा कहाँ कहाँ लगा है, सब कुछ एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि यार आप 500 केवल 500 अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, स्टार्ट करते हो 500 से ना, कितना अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, मैं सीधे आपको ना हमेशा की तरह आपको लाइव दिखाऊंगा और ग्रुप एप्लीकेशन पे ले जाऊंगा। सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं आपके लिए, ताकि आप लोग को दिखे कि एग्जैक्टली क्या क्या एनालिसिस अपन को करना चाहिए और क्या क्या एनालिसिस करने के बाद आप बहुत अच्छा फंड में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, राइट। तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्टार्ट कर दिया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं ग्रो एप्लीकेशन पे चला गया हूं और ग्रो एप्लीकेशन पे जाने के बाद सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड करूंगा। लेकिन उससे पहले देखो, ग्रो एप्लीकेशन में आप, मेरा मकसद है ना कि आपको पैसा कमाना सिखाना और उसको इन्वेस्ट करना। तो ग्रो एप्लीकेशन 300 रुपीज दे रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री एप्लीकेशन है, कोई चार्ज नहीं लगता, कोई हिडन चार्ज नहीं है और बहुत सारा चीज आप इसमें आराम से देख सकते हो, बहुत इजी बनाया गया है। तो कोई कमीशन यहाँ पास नहीं है, 300 मिलेगा, अपने दोस्तों शेयर करो, 10 लोगों शेयर करोगे 3000 कमा सकते हो, राइट। इसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हो यार, समझ गए। तो देखो सबसे पहले आप देख पा रहे होगे, सबसे पहले मैं डायरेक्ट क्वांट स्मॉल कैप तो ऑलरेडी रिव्यू दे चुका हूं, मैं सीधे चलूंगा बैंक ऑफ इंडिया। अब जो बैंक ऑफ इंडिया का आप देख पा रहे होगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड, इसमें आप रिटर्न देखो, मैं लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखूंगा, आपको दिख रहा होगा लास्ट 1 रिटर्न का रिटर्न है 7.40%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न आप देखते हो ना, तो पिछले 3 सालों में, मतलब ये फंड को आए हुए 3 साल हो गए हैं, लास्ट 3 इयर्स में, 3 इयर्स में इस फंड ने कितना दिया है, 43.64% दिया। आई अंडरस्टैंड काफी लोग बोलेंगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे होगा, इतना तो पॉसिबल नहीं कि कोई फंड इतना पैसा दे सकता है। लेकिन देखो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है यार, मैं कुछ अपने से कुछ डेटा प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये गूगल से, ग्रो एप्लीकेशन सीधे गूगल से अटैच रहता है, तो सीधे पूरा आपको दिख रहा होगा कि लास्ट 3 इयर से 43.64 है और ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक आपको ये 33%, मतलब जब से ये एप्लीकेशन आया है वो आपको 33% आपको रिटर्न दे रहा है। कितना? 33% आपको रिटर्न दे रहा है, मतलब जिन्होंने पैसा लगाया था ना उनका 3 साल में पैसा डबल हो गया यहाँ पास। तो ये फंड जब से आया है एग्रेसिव फंड है, जो आपको मैं हमेशा बताता रहता हूं कि एग्रेसिव फंड है, पैसा लगाना थोड़ा सा उसमें रिस्की होता है, लेकिन अगर आप ये समझ जाते हो ना कि ये फंड के पैसे कहाँ कहाँ लगे हैं, देखो मेरा मकसद है आपको समझाना, एक एक चीज बताना कि इस फंड के पैसे कहाँ कहाँ लगे हैं, ताकि आप समझ सको कि इस फंड में पैसे लगाना कितना सही है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि इस रेटिंग बहुत अच्छी है, 5 स्टार रेटिंग मिली है, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। फंड साइज 353 करोड़ का फंड साइज है, ठीक है। अब देखा जाए तो इसका SIP आप 80% लोग कहते हैं कि आप इसमें SIP से स्टार्ट करो, 80% रिकमेंडेशन है कि आप SIP से शुरू करोगे। अब मैं देखा जाए इसकी होल्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी होल्डिंग, जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि होल्डिंग इंपॉर्टेंट है, मतलब इस फंड का पैसा फंड मैनेजर ने कौन कौन से शेयर मार्केट में लगाया है ये बताता है होल्डिंग। अब मैं होल्डिंग की बात करूं तो सबसे पहले आता है ICICI बैंक लिमिटेड,
बहुत अच्छी बात है। अगर आईसीआईसीआई बैंक में पैसा लगा है, वो भी कितना लगा है, 3.58% लगा है, मतलब इसका टोटल कैटेगरी 3% आईसीआईसीआई बैंक में लगा है, मतलब बहुत सारी चीजें। अगर आईसीआईसीआई का शेयर बढ़ेगा तो ये भी फंड आपका बढ़ेगा। सेकेंड टिमकेन इंडिया है, सिटी यूनियन बैंक है, फोनिक्स मिल्स है, केपीआर मिल्स है, केपीआर मिल्स का बहुत नाम जाना जाता है, ठीक है, रोलेक्स रिंग है, एसकेएफ इंडिया ये भी फेमस है बहुत ज्यादा, और जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल अच्छी कंपनी है, उभरती हुई कंपनी है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पास आप पैसा लगा के पैसा आप अच्छा बना सकते हो। तो आप, मैं नहीं बोलूंगा कि आप ना इसमें ना लमसम लगा लो, देखो कभी नहीं बोलता मैं लमसम लगाने के लिए, लमसम के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप धीरे वीडियो देख लेना कि आप अगर लमसम इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपके कौन कौन से फंड आपको चाहिए और कौन से फंड आपको लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए मैंने बताया है, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, देखो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है इसका, मतलब जो म्यूचुअल फंड हाउस अपने को मैनेज करने के लिए, आपका पैसा को मैनेज करने के लिए जो उनका खर्चा होता है ना, एक्सपेंस रेशियो है 0.47%, बहुत कम एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना बहुत उतने ही अच्छा होता है, उतना ही आपको फंड, वही फंड आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो एग्जिट लोड 1% लगता है। फंड मैनेजमेंट देखा जाए तो फंड मैनेजमेंट ध्रुव भाटिया जी कर रहे हैं फंड मैनेजमेंट को, ठीक है। अब इसमें बात किया जाए तो अगर मैं बात करूं कितना 33%, अगर देखो 33% की बात करो तो 33% अभी तक रिटर्न दिया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा केवल आप 1000 या 500 से स्टार्ट करो, और चलो देखते हैं कि 500 से स्टार्ट करने पे आपका क्या रिटर्न बनता है। बहुत नहीं, काफी काफी कम समय की बात है, ठीक है। चलो मंथली इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं, मैं किससे स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा केवल 1000 से। एक्सपेक्टेड रिटर्न चलो 33% है, मान के चलते हैं कि आने वाले 3-4 सालों में इतना रिटर्न और देगा, मान के चलते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि देगा, क्योंकि मार्केट का कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, आपको पता है। तो चलो मान के चलते हैं कि लगभग 30% रिटर्न देगा आने वाले, केवल मैं 5 सालों की बात कर रहा हूँ। आप 5 सालों की बात करो तो यहाँ पास इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होगी, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यहाँ 60,000 माई डियर फ्रेंड, आपकी वैल्यू बन रही है वहां 1,39,000, ठीक है ना। आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो 60,000, आपकी वैल्यू बन रही कितना 1,39,000, मतलब बन रही है। आप यहां देख सकते हो कि आपका पैसा यहां पास आराम से डबल हो गया है 3 साल में पैसा आपका डबल हो गया। एग्जांपल करते हैं कि ज्यादा नहीं, 30% मैंने ज्यादा ले लिया है, चलो एक्सपेक्ट करते हैं 20% आने वाले समय में, 10 सालों में 20% तो देगा। तो एक काम करते हैं, यहां 10 नहीं यहां अपन कर देते हैं कितना 20 ईयर्स कर देते हैं। अब 20 ईयर्स में देखो सेम अमाउंट, 20 ईयर्स में आप 1000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी वैल्यू बन रही है 2,40,000, देखो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है, लेकिन आपकी जो टोटल वैल्यू बन रही है जितना आपका कॉर्पोरेट अमाउंट है वो बन रहा है 31 लाख आपका बन रहा है। आप 2,40,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 31 लाख बन रहा है, कंपाउंडिंग की ताकत यही होती है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप इस चीज को कैलकुलेट कर दो क्या है 30 ईयर्स में कंपाउंडिंग की ताकत। आप देखो जितना पैसा आप होल्ड करके रखो उतना आपको, उतना ही पैसा आपको आगे जाके रिटर्न बहुत तेजी से मिलता है। तो यहाँ पास अगर 30 इयर्स के लिए केवल 1000 आप इन्वेस्ट करोगे, यहाँ तो 33% दिया है मैंने, 20% रिटर्न केवल लिया है, 20% सोचो, मैं तो बहुत कम लेके चल रहा हूँ यार, ठीक है। अब 20% के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे 3.60 लाख, आप अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 30 ईयर्स में आपकी हो रही है कितना 3.60 लाख। अब लेकिन देखो जो वैल्यू बना रहे हो आप, more than 3-4 करोड़ आप वैल्यू बना रहे हो, more than 3.4 करोड़ वैल्यू बना रहे हो लॉन्ग टर्म में। तो मेरा मकसद क्या रहता है, मेरा मकसद ये रहता है कि आप लोग को इन्वेस्टमेंट सिखाना नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म बट हमेशा फॉर द लॉन्ग टर्म, ताकि लॉन्ग टर्म में आप पैसा बना सको, और लॉन्ग टर्म में पैसा बना के ही आप पैसा बहुत अच्छा बना सकते हो। तो ये चीजें जो हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो यार स्मॉल कैप कंपनी में क्या होता है, स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क होता है लेकिन स्मॉल कैप कंपनी आपको रिटर्न ही बहुत अच्छा बना के देती है। सारा पैसा स्मॉल कैप कंपनी में डालने की भी जरूरत नहीं रहती है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 पर मंथ, आप उसमें से 1,000, 2,000, 3,000 आप स्मॉल कैप में लगा सकते हो। मैं तो कहूंगा जो एग्रेसिव फंड है, जैसे ये एग्रेसिव फंड है, तो आप इसमें 1,000 रुपए लगा लो, 1,000 आप स्टार्ट करो इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि आने वाले समय में जब मार्केट गिरेगा ना तो स्मॉल कैप कंपनी जितना ही नीचे जाती है उतना तेजी से ऊपर उठती है। फिर आप स्विच आप करना चाहो स्विच कर सकते हो, लेकिन आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, सोचा एनालिसिस करके आपको दिखाऊं कि आप ये फंड के बारे में, ये फंड रियल में अच्छा है या केवल यहाँ लोग बातें कर रहे हैं इस फंड के बारे में। तो ओवरऑल मेरी तरफ से थम्स अप है, ये फंड आप स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट और पैसा यहाँ बना सकते हो।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मैंने चैनल पे बहुत अच्छा प्लेलिस्ट बना दिया है म्यूचुअल फंड के लिए, तो आप आराम से वो प्लेलिस्ट जाके आराम से बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आप सीख सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा होता है, कितना रिस्क होता है एंड कितना कितना मैनेजमेंट करके आपको उस फंड में पैसा डालना चाहिए, किस किस एज ग्रुप के लिए कौन कौन से फंड है, सब कुछ मैंने बताया है। सो कमेंट आप देते रहना, आपकी कमेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे एंड बाकी कुछ भी सजेशंस होगा जरूर मुझे वीडियो में देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।